वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप सिख संगतां दे सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 22 सितंबर, यह दिन सिख धर्म दे विच अपनी एक वक्री अहम थां रखदा आ। यह दिन सानू यह गल दर्शाउंदा आ कि जदों तुसी सिख हो के अपने हक्कां दी गल करोगे, वो चाहे हिंदू होण, चाहे मुसलमान होण, चाहे तुहाडे सिख हाकम भरा क्यों ना होण, ये तुहाडे बच्चियां नूं भी परवाह नहीं करनगे, ये तुहाडे बजुर्गां नूं भी परवाह नहीं करनगे, ये तुहाडियां बच्चियां नूं, तुहाडियां औरतां नूं, तुहाडे नौजवान बच्चियां नूं कदे परवाह नहीं करनगे। क्योंकि सत्ताधारी लोकां दी हमेशा एक कोशिश हुंदी है कि सामने वाले तबके नूं जिवें किवें डरा के, धमका के, दबा के उन्हां दे उपर हाकम बिरती नाल राज कीता जावे। वैसे तो बहुत आत भीड़ जिहड़ी हुंदी है वह गुलामी नूं प्यार करती है, क्योंकि बहुत आत लोग हक सच की गल नहीं करते, वो जानवर मरे की वीडियो पा पा के ते अपना विरोध प्रदर्शित करते ने, परंतु किसी नजायज लड़के दे फड़े जाण जां गिरफ्तार किए जाण जां उहदे कतल किए जाण दी इह कन्नी पर आवाज़ नहीं कटदे। क्यों? पता आ जे असी हाकमां दे खिलाफ़ बोले तो साडा हशर भी यह होएगा। इस करके इवें दी गुलाम बिरती दे जिहड़े धारनी लोग ने वो सभ्याचार, सभ्यता, राज, स्टेट, इंसानियत, धर्म सारयां दा नुकसान करदे। इनू असल लफ्जां दे विच भीड़ कहा जाता है। अजिही ही भीड़ दे विचों एक नित्रया होया वह गुरु का प्यारा छोटा जा निक्का जा सिख जिहड़ा मोगे जिले के रहने वाला आ, भुपिंदरा हाई स्कूल दे विच पढ़दा आ, अपने रिश्तेदारां नूं मिलण वास्ते करनाल गया। जदों करनाल रिश्तेदारां नूं मिलण वास्ते गया 1960 दे सन की यह गल आ, उन्हां दिनां दे विच पंजाबी सूबे मोर्चे की गल बड़ी चलती सी ते पंजाब सरकार दे वल्लों सत्ताधारी हाकमां दे वल्लों यह गल शरेआम कही गई सी कि जो पंजाबी सूबे मोर्चा जिंदाबाद का नारा लाएगा उन्हूं भयानक तो भयानक सज़ा दी जाएगी। गली दे विच कुछ एक बच्चे खेडदे पए ने ते इन्हां बच्चों नूं वह नारे याद हो गए कि पंजाबी सूबा जिंदाबाद, पंजाबी सूबा जिंदाबाद। ये बच्चे खेड रहे ने, कोई बगावत नहीं कर रहे, सिर्फ 10 साल की उम्र है काका इंद्रजीत सिंह की, बगावत नहीं करते। इन्हें नू इन्हां खेडदियां दे दुआले एक पुलिस की टुकड़ी आउंदी है। पुलिस दे विच जिहड़ा हाकम हिंदू इंस्पैक्टर आ, उस हिंदू इंस्पैक्टर ने इन्हां बच्चों नू कहा कि तुसी जिंदाबाद के नारे ना लाओ। बच्चे ने दस्सिया जी असीं ते खेडदे पए ते खेड खेड दे विच ये कह रहे हैं पंजाबी सूबा जिंदाबाद, पंजाबी सूबा जिंदाबाद। वो भड़किया होया इंस्पैक्टर इन्ना क ज़्यादा ईरखा दी दुनिया दे विच गुमराह होया बैठा सी, उस पापी बंदे ने इस बच्चे नू चक के पहला इहदे पेट दे विच गोली मारी। गोली मार के जदों उन्हें इहदे उपर अपने वल्लों वार कीता, बाद विच इहनू खूह दे विच सुट दिता। जदों खूह दे विच सुटिया तो काफ़ी पड़ताल की गई भी गोली चली सी, चली किंदे उपर सी, बाकी बच्चे तो डरते भज गए, डरते बच्चे दसन भी ना। जदों कुछ समय बाद ये पता लगा कि खूह दे विच पुलिस वालिया ने इंद्रजीत सिंह की लाश सुटी है, तो उस लाश को बाहर कढ़िया गया। ये पंजाब सरकार वालों, हिंदुस्तान की हाकम सरकार दे वालों एक गल प्रदर्शित कर दिती गई सी कि जे तुसी पंजाबी सूबे की गल करोगे असी तुहाडे जम दे बच्चे भी नहीं छड्डांगे। उही कुछ उन्होंने करके भी विखाया, चाहे वो 1947 का दौर होवे, 1947 तो बाद कई दौर आए ने, चाहे 1984 का दौर होवे, ते अज तक भी बेदोशे सिखां दे उपर पुलिस वल्लों इल्जाम लगा के भी इन्हां कोलों हथियार फड़े गए, इन्हां दे कोलों समगरी फड़ी गई, किताबां फड़ियां गईयां, एवें दे झूठे इल्जाम लगा के अज भी इन्हां नूं नजायज केसां दे विच फसा के जो साडे पंजाबी बच्चे ने उन्हां दी जिंदगी बर्बाद की जा।
ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਵਲੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।